फिर इसमें 10% की कमी की गई तो अब वो जो 10% का मान घटेगा वो 100 पर नहीं वो 90 पर घटेगा, तो इसमें 9 की कमी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा। ये होता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। तो जब कभी भी मान में सक्सेसिव इंक्रीजमेंट और या सक्सेसिव डिक्रीज होगा तो हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, या उसके अलावा जब कभी भी एक राशि कई राशियों की मल्टीप्लाई पर होगी और जिन राशियों की मल्टीप्लाई के बराबर उन सभी में परिवर्तन देकर सामने वाले में परिवर्तन पूछा है, तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को एक ही तरीके